हेलो एवरीवन वेलकम टू नंबर वन म फॉर यीपरेशन फू बी एस सी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स होपफुली परसेंटेज का जो पार्ट हमने कवर किया आपको अच्छे से समझ आया होगा इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मैंने आपको बहुत सीरियसली करने को कहा वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि परसेंटेज को जब रेशो में आप कन्वर्ट करते हैं उन वैल्यूज को अच्छे से रखिए याद और उनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस में यूज करना शुरू करो बेसिकली होता क्या है हम समझ लेते हैं सारी चीजों को हम कर लेते हैं बट उसको जब इंप्लीमेंट करना आता है ना वो इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाता तो उस इंप्लीमेंटेशन के लिए ही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ठीक है तो प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नए क्वेश्चन ढूंढिए ठीक है थीके? सर्च आउट कीजिए नहीं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है आई विल विलेशन फाइव वन ट्रिपल सेवन अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो मुझे बताइए मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये तो खुद दूंगा क्लियर तो आज हम शुरू करने लगे एंड प्रपोशन और इसका पार्ट वन बिल्कुल जीरो से शुरू करवाऊंगा रेशो एंड प्रपोशन और, और बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फिर उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको एक लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप का उसे आप प्लीज ज्वाइन कीजिए बिकॉज ये जो हमारा बैच हैगेट दो टारगेट पच्चीस से जल्दी ही आपके सामने आ रहा है जिसमें हम एप्लीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीशन करने वाले हैं विद एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स के साथ ठीक है फॉर मोर इन जो नंबर बताया वही नंबर है और ये हमारे पास चंडीगढ़ हमारे मोहाली सेंटर के एड्रेस दिए हुए हैं ठीक है चलिए तो होपफुली फुली इंफॉर्मेशन काफी होगी और हमारे पास एक वॉट्सएप ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लीज इसे अभी ज्वाइन कीजिए बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन है यहां तो मैं बताऊंगा उसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास आ जाएगी ठीक है देखो, अब कि जो हम मेथड लगाएंगे एग्जाम में वो क्यों इतना इफेक्टिव है देखो सपोज करो मुझे ए बटा बी है दो बटे तीन ठीक है और मुझे बी बटे सी है चार बटे पांच ठीक है ये ये एक्चुअली क्या है ये ए रेशो भी दिया मुझे इसको बट्टे को क्या बोलते हैं है और जब आप बी रेशो सी की बात करोगे क्या दिया चार रेशो पांच दिया तो मुझे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करके मुझे बताइए ये कल को चार के लिए भी पूछ लिया क्वेश्चन है मेरे पास सबसे अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का वही होने वाला है ठीक है और जिन्होंने रेशो प्रपोशन अभी शुरू नहीं किया यहां पे आइए मेरे साथ आइए बिल्कुल आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है देखो अब आपने करना क्या होता है देखो भाई दोस्त का दोस्त दोस्त है ना सपोज करो ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है तो ए और सी भी दोस्त हुए ना क्योंकि उनका जो कॉमन पॉइंट है दैट इज बी तो बी को बराबर बनाना होता है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करते हैं देखो ए बटा बी कितना दिया मुझे दो बटा तीन और बी बटे सी कितना दिया स्टूडेंट्स मुझे चार बटे फांच. आपने क्या करना है इस तीन और चार को बराबर बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आप इसका लो और का एल्सियम क्या होगा दीज आर तो होगा मेरे पास इसको चार से मल्टीप्लाई चार से डिवाइड कीजिए इसको तीन से मल्टीप्लाई और तीन से आपने डिवाइड करना है लिया? अब देखो जरा ए बटा बी कितना है मेरे पास या के मेरे पास साठ बटे बारह दोबारा मत काट देना और बी बटे सी कितना है बारह बटे पंद्रह इसका मतलब ए मेरे पास कितना आया आठ बी कितना है बारह और सी कितना है पंद्रह ठीक है अब अगर मैं कल को कह दूं भाई सी और डी ई e और एफ भी है फिर क्या करोगे हर वैल्यूज को बराबर बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही इतना समय मेरे पास एग्जामिनेशन ऑल में तो मेरे पास एक नया तरीका है मॉडरेटेड तरीका है वो है ये जिसको मैंने नाम दिया वन एट अ टाइम वन एट अ टाइम मतलब एक समय पे मैं

तो पहले वाले को छोड़ दो यहां पे कुछ मत यहां पे सिर्फ एक डैश लगा दो बॉक्स बना दो यहाँ पे अभी मुझे कुछ नहीं पता कि भाई जब ए और बी का रेशो दिया था तो सी के बारे में कुछ नहीं पता सेकंड में में क्या बोल रहा है वो बी सी हाउ मच अब इस इक्वेशन मुझे ए के बारे में कुछ नहीं पता प्लॉट होगी ये आपने प्लॉट करनी है अच्छे से प्लॉट करोगे तो जल्दी समझ आएगा अब क्या करो इसको यहां लिख दो तीन और इसको लिख दो यहां पे चार तो बस मल्टीप्लाई करना चार दून या आठ चौके बारह और तीन पंजे पंद्रह आठ बारह पंद्रह यही आया था मेरे पास यस yes, आठ बारह पंद्रह बिल्कुल यही आया था exactly जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए, यही आया था और यहाँ पे भी यही है लिखा हुआ क्लियर चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन अब मुझे कैसे करने डायरेक्टली भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी इन रुपीज

इसको आप कैसे करोगे खुद सोचिए देखो कुछ है नहीं करना होता इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है आपने एल्शियम ले लेना आप दो तीन और चार का एल्शियम ले लो दो तीन और चार का एल्शियम ले लो देखो दो तीन चार का एल्शियम कितना आएगा चार थी बारह सब टर्म्स को बारह से मल्टीप्लाई कर दो इन टू तो ये कितना हुआ सिक्स टाइम्स फोर टाइम्स और थ्री टाइम्स तो ये कितना हो गया सिक्स एट एंड नाइन इसको एक कॉन्स्टेंट के दे दो ताकि गलती लगने के चांस तो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा देख लो दो तीन चौके बारह चार चार मतलब के रेशो एट के रेशो नाइन के तो ये कितना हो गया नो आठ सत्रह छ तेईस तो ट्वेंटी थ्री के वैल्यू कितनी आ गई पास सेवन एटी टू तो के वैल्यू कितनी आएगी अब देखो जरा सेवन एटी टू Divided by 23. Directly इसको आपने कैसे करना है? देखो। सबसे पहले 23 और 78 को निहारो जरा निहारो निहारो शाबाश मैं भी निहार रहा देखिए। जब आप 78 को 23 से डिवाइड करने पे जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास मैक्सिमम देखो ट्वेंटी थ्री इंटू फोर इज नाइनटी टू समझिए पॉइंट यही कैलकुलेशन काम आएगी आपको जाएगा जाएगा

तो ये कैलकुलेशन थोड़ी प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस बेस्ड कैलकुलेशन है क्लियर तो यहाँ पे के की वैल्यू 34 फोर आ गई वर्ट द क्वेश्चन सिंग देन द फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच सिक्स इंटू थर्टी मल्टीप्लाई कैसे करना है सिक्स इंटू थर्टी प्लस फोर इट इज वन एटी का चौबीस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 204 क्लियर तो डू ज्वाइन और आपके पास नंबर है नाइन स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी, भी कर सकते हैं और को था, सब वहीं पे शेयर हो गया आपके। तो जल्दी, जल्दी से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए <coughs> और प्लीज कमेंट जरूर किया करो वीडियो के नीचे मुझे भी पता चले कि वो कितना समझ आ रहा है दो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है चलिए

चलिए देखो मतलब थ्री नंबर्स मैंने माना पहला नंबर ए दूसरा बी और तीसरा सी ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच नाइनटी एट हो गया अच्छा द रेशो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर यानी ए रेशो ऑफ बी इज हाउ मच इज टू रेशो थ्री वन एट अ टाइम ये क्वेश्चन नंबर वन ये क्वेश्चन नंबर टू एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड

हाउ टू डू इट ये भी समझ आना चाहिए हमें क्लियर नोट करिए फटाफट सोतरा चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज देखो ये अच्छा क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ पदल होंगे कैसे इसके कैलकुलशन को रिड्यूस करना है

रेशो में मैं बोलता हूं टू पी रेशो थ्री पी है देखो, जब भी आपके पास रेशो दिया हो और अमाउंट दिया हो ना तो वेरिएबल लेते हो हिचकिचाइए मत क्योंकि यहां पे गलती लग सकती है गलती लगने के चांसेस हैं तो गलती ना हो इसके लिए ले लीजिए ठीक है वेरिएबल अच्छा वो क्या करें ईच सैलरी इंक्रीज बाय फोर थाउजेंड यानी हर बंदे की दोनों की सैलरी को फोर थाउजेंड इंक्रीज कर दिया गया यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि इनकी सैलरी कितनी होगी टू पी प्लस फोर थाउजेंड थ्री पी प्लस ऑफ फोर थाउजेंड क्लियर और जो फाइनल रेशो बनी वो कितनी आ गई फोर्टी रेशो ऑफ फिफ्टी सेवन दैट इज एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन भी हम करते हैं ठीक है उसमें बताऊंगा में जब आएंगे तो ठीक है यानी टू पी प्लस फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री पी प्लस फोर थाउजेंड

इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं लिखूंगा वन ट्वेंटी जब मैं ऐसे आराम से लिखूंगा तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचेगा देखो ये की तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई दिस टर्म अपियर फाइनली क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है नोट तो प्लीज नोट जरूर कीजिए क्वेश्चन ठीक है अब देखो अब मैंने आपको क्यों मना किया थोड़ा सतर्क रहने के लिए क्योंकि देखो यहाँ पे फिफ्टी सेवन इंटू फोर थाउजेंड यहाँ पे फोर्टी इंटू फोर थाउजेंड तो क्या फोर थाउजेंड में कॉमन ले सकता हूँ यस आई कैन टेक फोर थाउजेंड कॉमन सो इट इज सिक्स पी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड जो मैंने कॉमन लिया हाउ व्हाट इज लेफ्ट तो विद फिफ्टी सेवन माइनस ऑफ फोर्टी दैट इज सिक्स पी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड टू ऑफ तो पी की वैल्यू कितनी आई थर्टी फोर थाउजेंड अब देखो कंफ्यूजन क्या होती है ये कोई एक्यूरेट नंबर तो आया नहीं अब एक बच्चा पूछता है कई बार कि सर ये एकट नंबर तो आया नहीं या वो खुद कंफ्यूज है एग्जामिनेशन हॉल में यार ऑप्शन जो है मेरे पास एक्यूरेट नंबर दिए हों बट ये तो आए नहीं वो फिर एक बार रिचेक करेगा यही एग्जामिनर पकड़ लेता है कि टाइम ही तो खराब करवाना है कुछ टाइम नहीं खराब होगा बस क्वेश्चन में चले चलिए अपने पे भरोसा रखो अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रखो अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो अपने लगा लॉजिक्स पे भरोसा रखो और अभिमन्यु इस पे भरोसा रखो ठीक है 30, 30 34000 बाय थ्री इसका मतलब सुमित की सैलरी पूछी है थर्टी बाय थ्री इंटू ऑफ तो ये कितना है थर्टी आ गया मेरे पास अब थर्टी किसी भी ऑप्शन में नहीं है ए बी सी डी अब यहां पे भी एग्जामिनर खेल गया इसका मतलब एग्जाम एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट फाइनल सैलरी बिकॉज जब थर्टी फोर थाउजेंड में फोर थाउजेंड एड कर देंगे ऑप्शन नंबर ए विल अपियर एज माई आंसर इज एक्जैक्ट क्लियर सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज एग्जाम में जब आप जाओगे ना तो वहां पर यही चीजें काम आएंगी कि थोड़ा सा विजिलेंट रहना थोड़ा सतर्क रहना वहां पे थोड़ा सोच समझ के आंसर से लगाने एक क्वेश्चन कम भी करोगे चलेगा एज कंपेयर टू की वो क्वेश्चन गलत आए मेरा और एक बात याद रखिए जो क्वेश्चन स्टार्ट कर ले उसको बिना खत्म करे मत छोड़ो या तो स्टार्ट ही मत करो क्योंकि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया आपने उस पर टाइम लगा दिया फिर टाइम खराब नहीं करना अभी से अगर आप सी सेट की तैयारी शुरू करोगे तो जी की तैयारी डिस्टर्ब नहीं होती कभी भी वो उन्हीं के साथ होता है जो सोचते हैं बाद में कर लेंगे आज कर लेंगे कल कर लेंगे वो फिर होता ही नहीं है कभी भी कल तो कभी आए नहीं जो आज करना है अभी करना है बस तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी ही नया बेचारा आपके पास चलिए अ अिक्सर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर इन फोर रेशो थ्री इफ फाइव लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर द रेशो बिकम्स फोर रेशो फाइव फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सर बताइए आंसर बताइए आंसर प्लीज चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊंगा मैं रेशो से भी और जो आपका एक मॉडरेटेड मेथड है मतलब माफ कीजिएगा नॉर्मल मैथड उससे देखो अब मिक्सचर कंटेन एल्कोहल एंड वाटर देखो एल्कोहल है और वाटर है इस रेशो में स्टूडेंट्स लीटर वाटर इज एडेड अभी हमने क्वेश्चन किया था ना अभी क्वेश्चन करके आए इसको के ले लो फोर के थ्री के अगर आपने एल्कोहल ऐड नहीं किया आपने में पांच लीटर वाटर ऐड कर दिया क्योंकि आपने सिर्फ ऐड किए वटर एड किया द रेशो बिकम्स फोर रेशो फाइव तो रेशो क्या होगी मेरे पास फोर रेशो फाइव होगी यानी फोर के पॉन थ्री के प्लस फाइव ये कितना है मेरे पास चार बटे पांच बस ये था दूसरा भी बताऊंगा थोड़ा वेट करो पहले इससे तो उनसे निकालने कितना आ गया ट्वेंटी के इजिकल टू तो ट्वेल्व के प्लस फाइव सॉरी तो ट्वेंटी ये कितना का ट्वेल्व के प्लस ट्वेंटी तो ये कितना क्या पूछ रहे हैं द क्वानिटी एल्कोल कितना फोर के फोर इंटू फाइव बाई टू आंसर इज टेन लीटर ये तो था ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं ठीक है अब देखो जरा नेक्स्ट जो तरीका हम करवाएंगे वो क्या करवाएंगे <laughs> देखिए क्या एल्कोहल वाटर इनिशियली क्या है मेरे पास? ठीक है अच्छा वो क्या करें पांच लीटर वाटर एक बात याद रखिए एक बात याद रखना हमने परसेंटेज में शायद पल्व वाला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हमने या ऐसा कोई क्वेश्चन किया था कि कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी क्या है मेरे पास जो तो चेंज नहीं हो रही अगर मैं बेसिकली बात करूं जो इनिशियली ये था वो फाइनली कितना हो गया 4, आप क्या कर रहे हो ध्यान रखना है। जो चीज एड नहीं हो रही दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू आपने किसको एड किया आपने वाटर को एड किया इफ यू आर एडिंग द वॉटर देन इट मीन माई एल्कोहल टू बी कॉन्स्टेंट अगर है तो ठीक है नहीं मैं बना लूंगा यहां पे देखो एल्कोहल के चार था पहले भी अभी चार है ये इट मींस इट इज माई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी तो यहां पे क्या हुआ वाटर अगर तीन था वो पांच हो गया दो यूनिट बढ़ा क्यों? क्योंकि अपने पांच लीटर ऐड किया होगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास फाइव बाई टू लीटर क्या यही आया था वहां से भी बिल्कुल और वहां पे कैलकुलेशन कितनी थी क्लियर तो एक यूनिट की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मेरे पास फाइव बाई टू देन वट विल बी दैल्यू फोर यूनिट फोर यूनिट इन द फोर इंटू फाइव बाईस इज टेन लीटर दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप नया बैच जल्दी ही आपके पास आ रहा है क्लियर ज्वाइन कीजिए और फर्दर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्लियर चलिए

ये बताने के लिए क्वेश्चन मैं मैंने लिखा टू रेशो थ्री अगर मैं लिखता हूँ ट्वेंटी रेशो थर्टी अगर मैं लिखता हूँ बताइए कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा क्या कॉमन है इनमें देखो इनमें क्या कॉमन है ये टू रेशो थ्री है और ये भी टू रेशो थ्री है तो अगर मैं बात करूं आपको बेशक दिख रहा है बड़ी छोटी टर्म्स बट इन रेशो दे ऑल आर कॉमन इन रेशो दे ऑल आर कॉमन क्लियर यही चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है क्वेश्चन में देखो मुझे बोला मैथ्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी यहां पे कितनी सीट्स हैं फाइव सेवन एंड एट अब देखो फाइव का तो आप क्या निकालोगे यहां से कितना निकालना है मुझे फोर्टी परसेंट निकाल के इसमें ऐड करना है ठीक है पर फिफ्टी परसेंट ऐड करना है और यहाँ पे मुझे तो डायरेक्टली नाउ बहुत छोटी वैल्यूस आ फिर वहां पे उस केस के लिए स्पेशली ये याद रखिएगा अगर मैं इस पूरी वैल्यू को दस से मल्टीप्लाई कर दू स्टूडेंट फिफ्टी सेवनटी एंड एटी चलेगा एट्टी और मैं बोलू इसको सेवनटी चलेगा बिल्कुल चलेगा चलिए अब इसमें क्या है मेरे पास देखो अगर मैं बोलूँ फिफ्टी है 70 है हैंड 80 है मेरे पास ठीक है अब इसका मैं फोर्टी परसेंट निकाल रहा हूँ यानी इसका फोर्टी परसेंट कितना आएगा प्लस ट्वेंटी आएगा ये कितना आएगा सत्तर आएगा इसका फिफ्टी परसेंट प्लस थर्टी फाइव आएगा क्या एक सौ पाँच आएगा इसका सेवेंटी फाइव परसेंट यानी इसका सिक्सटी आएगा तो ये कितना है वन फोर्टी आएगा आएगा तो ये कितना आ रहा है मेरे पास पैंतीस दो पैंतीस तीन और पैंतीस चार यही मेरे पास आंसर है टू रेशो थ्री रेशो फोर क्लियर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वीडियो क्लियर नोट कीजिए फटाफट इसको चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे ये आपके लिए होमवर्क लाया टू नंबर बिकम ट्वेल्व रेसो थर्टीन करिएगा इसको तो करके मुझे बताइएगा आंसर कितना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ठीक है चलिए ना तो अभी बताना चलो जी फिफ्टी सिक्स हंड्रेड इज टू बी डिवाइडेड इंटू ए बी सी एंड डी इन टच अ वे दैट द रेशो ऑफ शेयर बी इज वन रेशो टू बी रेशो सी इज थ्री रेशो वन एंड सी रेशो डी टू रेसो थ्री पॉइंट द सम ऑफ ए एंड सी एंड बी एंड सी अब देखो मैंने शुरू में जो बताया था वो यहाँ लगाएंगे हम ठीक है मतलब आपको क्या दिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिया मुझे क्या मुझे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड दिया है बिल्कुल दिए अच्छा अब देखो ए रेशो भी कितना दिया मुझे रेशो टू दिया। अच्छा बी रेशो सी कितना दिया मुझे थ्री रेशो बन दिए और सी रेशो डी कितना टू रेशो थ्री दिए ये चीज क्लियर है बिल्कुल क्लियर है चलिए इसको यहां लगाइए दो और यहां भी लगाइए दो यहां लगाइए एक यहां लगाइए तीन यहां लगाइए दो तो यहां लगाइए दो ठीक है आप देखो जरा तीन दूनी छ तीन दूनी छनी बारह दो दूनी चार तीन दूनी छ ठीक है तीन रेशो चार रेशो दो रेशो तीन ये मेरे पास फाइनल रेशो बन गई तो ये क्या आ गया मेरे पास चार तीन सात दो नौ तो सर ये छः आएगा छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह यूनिट की वैल्यू कितनी दी स्टूडेंट्स फिफ्टी सिक्स हंड्रेड एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास फोर हंड्रेड आ गई अगर फोर हंड्रेड आ गई मेरे पास तो मुझे क्या दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ ए आपको ए एंड सी निकालना देखो ए और सी कितना है आपके पास तीन और तो पाँच पाँच गुना चार सौ ये कितना आ गया दो हजार और फिर क्या निकालना है मुझे राइट आंसर क्लियर तो प्लीज डू ज्वाइन लाइक शेयर एंड वीडियो जल्दी से नोट कर लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमारे पास और बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल के हम करेंगे जैसे हमने परसेंटेज को कवर किए वैसे ही हम यहीं पे सब कुछ कवर करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स चलिए तो मैं बता दूं आपको फिर जल्दी ही हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, है? उसकी डिटेल और एडवांस मॉडरेटेड मेथड्स के साथ आएगा सरप्राइज आपके लिए बहुत अच्छा ठीक है उस बैच अंदर बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके लिए ठीक है एप्टीट्यूड लॉजिकल एंड इंग्लिश कॉम्प्लीस बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाए जाएंगे ठीक है दीज आर अवर एड्रेस ऑफ चंडीगढ़ सेंटर ठीक है सो कॉल कर सकते हैं और प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए वहीं पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाएंगे आपको बताई जाएंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो होमवर्क दिया है, उसका मुझे आंसर चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में थैंक यू